मैंने अपनी फेवरेट पिक कर ली है, एक तो ये और बेल्स की कलेक्शन जो है, जैसे मैंने उनको देखा तो एक बहुत सीरीन, बहुत ही कामिंग इफेक्ट ऐसा लगा मुझे जब मैंने पहले मेरे दर्शन हुए उनके, और बहुत खूबसूरत आर्ट है, और ऑफकोर्स फर्नीचर पे भी पेंटिंग किया गया है, वो कुछ अलग है। और सबसे बड़ी बात है कि कॉज के लिए जो ये पेंटिंग्स बेच रहे हैं, वो पेंटिंग से बढ़कर कॉज है, और बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी कला, अपनी मेहनत को इस तरीके से इतने वक्त, इतना टाइम डाल के, इतना मेहनत डाल के एक अच्छे कॉज के लिए एकदम डोनेट कर देते हैं। तो एग्जीबिशन एक जैसे एक कलाकार के लिए उसकी अपनी कला का एक प्रदर्शन, जिस तरह से हम भी एक्टर हैं, इधर उधर काम करते रहते हैं, चाहते हैं लोग आएँ देखें। लेकिन आज का ये जो शर्वरी का एग्जीबिशन है, ये थोड़ा हटके है, इसलिए क्योंकि ये सारी पेंटिंग्स जो आज बिकेंगी वो एक कॉज के लिए जा रही है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हम कलाकार लोगों के लिए करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हमें ज़रिया नहीं मिलता। जो ज़रिया शर्वरी ने आज ढूंढा है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। और दूसरी बात है, आज ये चार थीम्स हैं, तो ये चारों थीम्स में ये फ्लावर्स वाली, वो रेजोनेंट बेल वाली और दी ज्योमेट्रिकल वन, तो ये वैरायटी मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। और डिफरेंट टाइप ऑफ पीसेज जो हैं, मतलब आज वो जो पिलर वाला पीस है जिसको ऐसे कोने में लगाया जाता है, ये आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं।